जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी मेहनत से हर महीने का राशिफल बनाता रहूँगा। हम इस वीडियो में सिर्फ कर्क लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2021 कैसा रहेगा, सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहाँ प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल अगस्त 2021 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इस महीने में सूर्यदेव का और बुधदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है और इन सभी राशि परिवर्तन का आपके कैरियर पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी विषयों पर डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं आपके कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। 1 से 9 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। जैसा आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में सूर्यदेव और बुधदेव की युति आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, मंगल देव और शुक्र देव की युति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है, राहु आपकी कुंडली के लाभ भाव में अर्थात आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, शनिदेव आपकी कुंडली के दशम भाव में स्व राशि में है और केतु आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सूर्यदेव का प्रथम भाव में होना आपको जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध होता है, आपको जीवन में किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। जब सूर्य प्रथम भाव में होता है तो वो जातक को किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों के सामने हार नहीं मानने देता और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है। ऐसे जातक किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी से बात करने में भी झिझकते नहीं हैं, जिसके कारण ऐसे जातक राजनीति में भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य का प्रथम भाव में होना ऐसे जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देता है, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग जैसे कार्यों में हैं। यदि आप नौकरी को लेकर किसी प्रकार के तनाव में थे तो उसमें भी यहाँ कमी आने की संभावना बनी हुई है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ फल दे सकता है, आपको आपकी मेहनत अनुसार लाभ मिलने की संभावना यहाँ बनती है। सूर्यदेव के प्रथम भाव में होने पर इसका आपके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने फैमिली रिलेटेड सेक्शन में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, शनिदेव यहाँ अपनी स्वराशि मकर राशि में है, जिसके कारण शश पंच महापुरुष योग का निर्माण आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, जहाँ शनिदेव दिग्बली होते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव वक्री अवस्था में भी हैं। यदि आप किसी प्रकार का कोई नया कार्य करने का प्लान पिछले कुछ समय में कर रहे थे और वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था तो इस समय आपको उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शनिदेव की वक्री अवस्था के कारण आपको जो लाभ अपने कार्य में मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, उसमें थोड़ा धीमापन आ सकता है, परंतु इस कारण आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जैसे ही शनिदेव की वक्री अवस्था यहाँ समाप्त होगी तो आपको आपकी मेहनत अनुसार लाभ मिलना प्रारंभ होगा। यहाँ पर ये भी संभव है कि आपको अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने में समस्या आ सकती है, जिसके कारण इसका आपके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने फैमिली रिलेटेड सेक्शन में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, गुरु का अष्टम भाव में होना आपको रिसर्च, काला जादू, एस्ट्रोलॉजी इस प्रकार के कार्यों की तरफ अधिक आकर्षित करता है, और जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु अष्टम भाव में होता है वो ऐसे कार्यों में सफल भी होते हैं। ऐसे जातकों की इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है। आप यदि नेचुरल हीलिंग थेरेपिस्ट होते हैं, जैसे यदि आप रेकी जैसे कार्य में होते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सफलता अपने जीवन में मिलने की संभावना बनती है। यहाँ पर गुरु आपको आपके कार्य में, आपके बिजनेस में विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर, कुंडली के दूसरे भाव पर और चौथे भाव पर होगी, जैसा आप इन एरो की मदद से
देख पा रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं, और जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी छठे आठवें बारहवें भाव से गोचर करता है तो वो आपको किसी प्रकार का अप्रत्याशित लाभ देता है, परंतु ऐसे जातकों को ऐसे ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को भी अपने जीवन में झेलना पड़ सकता है। अष्टम भाव में बैठा गुरु आपको अप्रत्याशित लाभ यहाँ दिलवा सकता है। ये लाभ आपको आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में हो सकता है। कुंडली के अष्टम भाव से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के बारहवें भाव पर होने के कारण ऐसे जातकों को कुछ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग किसी प्रकार से ऑनलाइन कार्य से जुड़े हैं, जो लोग किसी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन के कार्य अथवा ऑनलाइन कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़े हैं, यदि आप इंटरनेट के माध्यम से किसी विदेशी कंपनी के लिए किसी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं तो यहाँ पर आपको उसमें भी लाभ मिलने की संभावना बनती है। यदि आपका किसी प्रकार का कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है तो उसमें आपको यहाँ शुभ फल मिलते दिखाई देंगे। आपका यदि आपके फैमिली बिजनेस को लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था तो वो यहाँ दूर होगा। इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने स्वास्थ्य संबंधित सेक्शन में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में मंगलदेव और शुक्रदेव की युति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है। मंगलदेव का दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव से आपकी कुंडली के पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर और नवम भाव पर होगी। मंगलदेव आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिणाम देने वाले ग्रह। मंगलदेव का दूसरे भाव में होना, इससे आपकी सोच एक सकारात्मक सोच बनेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। यहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने में सक्षम रहेंगे। किसी भी नए कार्य को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे लेकर जाएंगे। आपकी यात्राएं आपके कार्य को लेकर बढ़ सकती हैं। यहाँ पर आपकी यात्राएं धार्मिक स्थलों पर भी होने की संभावना यहाँ बनती है, जिससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलता दिखाई देगा। इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने हेल्थ रिलेटेड सेक्शन में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, अर्थात लाभ भाव में है, जिसके कारण ऐसे जातकों को बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। जो लोग शेयर ट्रेडिंग जैसे कार्य से जुड़े हैं, यहाँ आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। आप किसी भी प्रकार का कोई बड़ा रिस्क शेयर ट्रेडिंग जैसे कार्य में ना लें, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसे जातकों को कुछ लाभ मिल सकता है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कार्य से जुड़े हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्य से जुड़े हैं, जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 10 से 17 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बुधदेव का गोचर आपकी कुंडली के लगन भाव से आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है, और शुक्रदेव का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी वाणी के कारण आपको यहाँ आपके कार्य में नुकसान होने की संभावना बनती है। आपके फैमिली बिजनेस में नुकसान हो सकता है। जो लोग अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस चला रहे हैं, जो फैमिली बिजनेस नहीं होगा, उसमें यहाँ आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, ये आपका फैमिली बिजनेस नहीं होगा, उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुंडली के तीसरे भाव से शुक्रदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पर है, जो शुक्रदेव की उच्च की राशि है, जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार के मीडिया के कार्य में आपका भाग्य आपका साथ देता दिखाई देगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़कर किसी प्रकार का कोई बिजनेस चला रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही शुभ फल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 18 से 26 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के लगन भाव से आपकी कुंडली के दूसरे भाव में होने जा रहा है, जो सिंह राशि है, सूर्यदेव की अपनी ही राशि। यहाँ पर आपके फैमिली बिजनेस में कुछ अकस्मात लाभ आपको मिलने की संभावना बहुत अधिक बनती है। सूर्यदेव का दूसरे भाव में होना शुभ नहीं समझा जाता। यहाँ से सूर्यदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर होगी, और यहाँ पर सूर्यदेव और मंगलदेव की युति कुंडली के दूसरे भाव में है, जिसके कारण आपके फाइनेंसेस पर और आपके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम अपने फैमिली रिलेटेड सेक्शन और हेल्थ रिलेटेड सेक्शन में चर्चा करेंगे। 27 से 31 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं,
यहाँ पर बुधदेव का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो बुधदेव की अपनी ही राशि है अर्थात कन्या राशि, जिससे आपको आपका भाग्य साथ देता दिखाई देगा। आपको किसी प्रकार का कोई शुभ समाचार आपके कार्य को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर मिल सकता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कोई कार्य आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण रुक गया था तो वो यहाँ पुनः प्रारंभ होता दिखाई देगा। तो ये था आपके कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। वर्तमान समय आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि मंगल देव आपके कुंडली के दूसरे भाव में है और सूर्यदेव और मंगल की युति आपकी कुंडली में 16 अगस्त के बाद होगी, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी यहाँ बढ़ सकती है। यदि आपको दिमाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है, जैसे आपके सिर में दर्द रहता है, आपको पास्ट में यदि डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी थी तो वो यहाँ आपको अधिक परेशानी में डाल सकती है। आपकी नसों में किसी प्रकार का दर्द यहाँ होने की संभावना भी बनी हुई है। आपके पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या यहाँ आपको अधिक परेशानी में डाल सकती है। 5 से 7 अगस्त और 23 से 25 अगस्त के बीच आपको नींद आने में समस्या हो सकती है, आपकी बेचैनी बहुत अधिक बढ़ सकती है। आप मेडिटेशन अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। 10 अगस्त तक का समय आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके वित्त को लेकर उपयुक्त समय नहीं है। आपके खर्चे आपकी आय से अधिक हो सकते हैं। इस महीने में आपके खर्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर भी बढ़ते दिखाई देंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना है। 10 अगस्त के बाद का समय आपके वित्त में, आपके फाइनेंसेस में सुधार होगा। आपका मानसिक तनाव आपके फाइनेंसेस को लेकर जो बना हुआ था वो यहाँ थोड़ा दूर होता दिखाई देगा। 8 से 10 अगस्त के बीच आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है, कहीं से पैसा मिल सकता है। हो सकता है ये लाभ आपके विदेश से भी होने की संभावना बनी हुई है। ये लाभ आपको किसी प्रकार के ऑनलाइन कार्य से भी मिलने की संभावना है। 16 से 18 अगस्त के बीच आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस अर्थात आपका किसी प्रकार का पैसों को लेकर हानि होने की संभावना बनी हुई है, आप थोड़ा सतर्क रहें। तो ये था आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग सिंगल हैं वो 23 से 27 अगस्त के बीच किसी प्रकार के रिलेशनशिप में अर्थात आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ पढ़ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो वर्तमान समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। ये समय आपके रिलेशनशिप में तनाव की स्थिति बहुत अधिक बढ़ा सकता है। यहाँ पर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें। आपको अपने पार्टनर की बात को भी थोड़ा समझना होगा और उसकी बातों को भी महत्वता देनी होगी, अन्यथा ये समय आपको मानसिक परेशानी में डाल सकता है। आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। देखिए, यहाँ किसी भी छोटी से छोटी बात पर आपको क्रोध आने की संभावना भी बनती है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये था आपके रोमांस और प्रेम संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके परिवार और फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। 16 अगस्त तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त समय नहीं है। यहाँ पर सूर्यदेव इस महीने में आपकी कुंडली के लग्न भाव में होंगे, जहाँ से इनकी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर होगी, और सप्तम भाव में शनिदेव हैं। ये सभी कारक आपके वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर आपका वर्कलोड अधिक होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ता दिखाई देगा, जिसके कारण आप वर्क लाइफ को बैलेंस करने में असमर्थ रहेंगे। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा। आपको दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की बातों को भी महत्वता देनी होगी, अन्यथा ये समय आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न कर सकता है। यहाँ आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत अधिक बढ़ सकता है। इस महीने में आपका आपके बच्चों के साथ तनाव बढ़ता दिखाई देगा। आप किसी भी प्रकार का कोई निर्णय अपने बच्चों पर जबरदस्ती थोपने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा इससे आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। तो ये था आपके परिवार संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। 14 अगस्त को प्रातः 6:30 से शाम 6:50 के बीच आपने एक लाल रंग का कपड़ा, जो कि 2 मीटर होगा, 11 हनुमान चालीसा और लाल मसूर की दाल का दान किसी हनुमान जी के मंदिर में करना है। आप 24 अगस्त को प्रातः 6:20 से शाम 6:40 के बीच
एक पीले रंग का कपड़ा जो कि 2.25 मीटर होगा, 100 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम चने की दाल किसी गरीब को अथवा किसी मंदिर में दान करें। इस तिथि का और इस समय का आपने विशेष ध्यान रखना है, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आप हर रविवार को गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। आप रोज सूर्यास्त के बाद कुत्तों को अथवा मछलियों को भोजन अवश्य खिलाएं। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 5 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठें, स्नान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह आदि में जो भी अड़चनें आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था कर्क लगन के जातकों के लिए अगस्त 2021 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।